दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के लिए लिज ट्रस और ऋषि सुनक के बीच में काफी अच्छी रेस चल रही थी, लेकिन आखिर में लिज ट्रस ने ऋषि सुनक को पीछे कर दिया और वे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बन गए। लिज ट्रस ने अपने प्रधानमंत्री बनने से पहले काफी बड़े बड़े और लुभावने वादे किए थे, लेकिन अब वे सभी वादे फेल होते नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा बुरे हालातों से गुजर रही है। हालात इतने बुरे हैं कि अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ब्रिटेन को IMF की मदद लेनी पड़ सकती है। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि ब्रिटेन की जनता खुद को कितना ठगा हुआ महसूस कर रही होगी। दोस्तों, ब्रिटेन की मौजूदा प्रधानमंत्री ने चुनाव जीतने से पहले ऐसे कई वादे किए थे जिसने ब्रिटेन की जनता का मन मोह लिया, लेकिन अब वे अपने सभी वादों पर फेल होती नजर आ रही है। लिज ट्रस की नाकाम नीतियां भी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के फेल होने के पीछे एक बड़ा कारण बन सकती है। लिज ट्रस ने चुनाव जीतने के पहले भी टैक्स कम करने जैसी बातें कही थी, जिसका विरोध ऋषि सुनक शुरू से ही कर रहे हैं। ऋषि सुनक ने हमेशा ये बात कही है कि वे ऐसे वादे बिल्कुल नहीं करेंगे जिसे पूरा करना उनके लिए संभव न हो और से देश को नुकसान हो। अब टैक्स कम करना महंगाई कम करने का कोई समाधान नहीं है, यहाँ तक कि टैक्स कम करने से किसी भी चीज का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं खोजा जा सकता। ऐसे में ऋषि सुनक इन सभी बातों को समझते हुए काफी समझदारी से अपने चुनावी वादे कर रहे थे, लेकिन लिज ट्रस ने चुनाव जीतने के लिए काफी बेफिजूल के वादे किए और बातें भी बोली। हालांकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के नाकाम होने के पीछे केवल लिज का ही हाथ नहीं है, कई प्राकृतिक और आर्थिक कारण भी मौजूद है, लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि लिज ट्रस के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद संभालने के ठीक बाद ही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का बुरा समय शुरू हो गया और ब्रिटेन की जनता को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वहीं पर अगर लिज ट्रस के अलावा ऋषि सुनक इस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर बैठे होते तो शायद उनकी समझदारी भरी नीतियां और जनता को खुश करने के लिए देश का नुकसान न करने की सोच ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को इतना नीचे गिरने से संभाल सकती थी। लेकिन अब हालात काबू के बाहर हो चुके हैं, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को काफी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। यहां तक कि अब ब्रिटेन के आम लोग भी अपने इस गलती को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें लिज ट्रस की बजाय ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री पद के लिए चुनना चाहिए था। ऋषि सुनक शुरू से ही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित थे। वहीं उन्होंने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए टैक्स में कटौती ना करने जैसी सलाह भी दी थी, साथ ही उनके पास कई और अलग नीतियां भी थी जिसकी वजह से वे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को इतना नहीं गिरने देते और एक हद तक संभाल कर रख सकते थे। लेकिन दोस्तों, ब्रिटेन की जनता ने अब लिज ट्रस को चुनकर काफी बड़ी गलती कर दी है और इसका अंदाजा उन्हें भी अच्छी तरह से हो चुका है। ऐसे में अगले चुनाव में अगर ऋषि सुनक खड़े होते हैं तो उनके जीतने की संभावना काफी ज्यादा होगी। साथ ही मौजूदा समय में भी ऋषि सुनक को ब्रिटेन की जनता की तरफ से मिल रहा समर्थन उनके भविष्य के लिए और अभी के लिए काफी अच्छी बात है। जहां एक तरफ ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पहले से काफी खस्ता हालात में है, वहीं पर भारत ने भी ब्रिटेन को सबक सिखाने के लिए एक काफी बड़ा कदम हाल ही में उठाया था। दरअसल भारत ने ब्रिटेन से आने वाली 22 चीजों पर 15% एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी लगा दी है, जिससे भारत को ज्यादा फायदा होगा और इससे ब्रिटेन के ये 22 आइटम ज्यादा महंगे हो जाएंगे। भारत ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आज से लगभग एक महीने पहले ब्रिटेन ने भारत के स्टील प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा टैक्स और कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। इसका कारण उन्होंने ये बताया था कि भारत की तरफ से आने वाले स्टील प्रोडक्ट ब्रिटेन के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को काफी भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से वह भारतीय स्टील प्रोडक्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। हालांकि ये करना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटेन ने ऐसा कदम उठाया। भारत को इससे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और भारत ने इस मुद्दे को कूटनीतिक स्तर पर ब्रिटेन के साथ उठाया भी, लेकिन ब्रिटेन अपने फैसले से पीछे नहीं हटा। फिर भारत ने इस फैसले को बदलने के लिए ब्रिटेन को 30 दिन का समय दिया, लेकिन जब ब्रिटेन ने इस समय सीमा के अंदर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया तब भारत ने ब्रिटेन के इन 22 आइटम पर 15% कस्टम ड्यूटी लगा दी, जो कि ब्रिटेन के द्वारा भारत की स्टील प्रोडक्ट पर लगाए गए कस्टम ड्यूटी का काफी अच्छा जवाब है। दोस्तों, ये देखना काफी ज्यादा रोचक है कि जब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पहले ही काफी बुरे हालात में है, इसके बावजूद भी ब्रिटेन अपनी अकड़ से नीचे नहीं उतर रहा और वह लगातार भारत के साथ व्यापार के क्षेत्र में अपने लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। अगर ब्रिटेन ने भारत की बात मानकर भारत के स्टील प्रोडक्ट पर से एडिशनल टैक्स और कस्टम ड्यूटी हटा देता तो इससे भारत को भी ये कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि एक बात तो साफ है कि अपनी अकड़ की वजह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को जितना नुकसान होने वाला है वह भारत के मुकाबले कहीं पर भी नहीं ठहरता। ऐसे में ब्रिटेन के लिए समझदारी भरा कदम यही होगा कि वह भारत की बात मानकर अपने द्वारा लगाए गए टैरिफ को हटा ले, ताकि भारत भी वैसा कर सके। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।